सो हेलो गाइस सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, एक भाई का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा सेटअप के ऊपर कमेंट आया, जो कि कमेंट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस भाई के कमेंट में यह लिखा गया कि हम 3000 वाट का पॉप मॉडल से 8 सिंगल बेस यूज करना चाहते हैं अपने सेटअप में और 6 लाइनरी का यूज करना चाहते हैं, जो कि हमारे सेटअप का साउंड काफ़ी दूर तक हमें सुनने को मिले। जो कि सर, इस तरह का सेटअप के ऊपर काफ़ी सर्वाइलों का काफ़ी दिनों से भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम लाइनरी और बेस का सेटअप बनाना चाहते हैं, जो कि इसी टाइप का सेटअप अब काफ़ी भाई लोग बनाना चाहते हैं। टॉप का जमाना अब धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि लाइनरी का जो सेटअप होता है काफी उसका साउंड क्वालिटी बेहतरीन हमें सुनने को मिलता है और उसका साउंड भी काफी दूर तक सुनने को मिलता है। तो गाइस सर, इस वाले सेटअप के ऊपर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि इस टाइप के 6 लाइनरी को और 8 सिंगल बेस को कंप्लीट करने में कितना कॉस्टली प्राइस लगेगा और इसे चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर परफेक्ट रहेगा, कितने वाट का एम्पलीफायर हमें लेना पड़ेगा और कैसे इसका वायरिंग कनेक्शन करना होगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या भी सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हैं, जिसका इंस्टाग्राम का यूजर ID स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, इस तरह के 8 बेस और 6 लाइनरी वाला कंप्लीट सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉप प्रोफेशनल 24 इंची बेस स्पीकर सिस्टम के बारे में, जिसका मॉडल नंबर GL24B देखने को मिल जाएगा। जो कि गाइस सर, इस वाले बेस का जो पावर है आप लोगों को 3000 वाट देखने को मिल जाएगा और 6000 वाट जिसका कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग पावर होता है। तो गाइस सर, ये पॉप की तरफ से कंपनी का फिटिंग यह सिंगल सबवूफर है, जो कि अगर आप लोग इतना महंगा सबवूफर नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग अलग से अपने हिसाब से इसी के जैसा कॉपी कैबिनेट बाजार में लेकर और गाइस सर आप लोग अपने मनपसंद का स्पीकर 2500 से लेकर 3000 वाट तक का डलाकर कंप्लीट करा सकते हैं, जो कि गाइस सर काफी ज्यादा कम प्राइस में आप लोगों का पॉप मॉडल के तरह ही आप लोगों का सिंगल बेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, हम कंपनी का फिटिंग है सिंगल बेस ले जो कि 3000 वाट का, तो फिर गाइस सर इस वाले मॉडल को इजीली आप लोग ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गाइस सर, इस वाले बेस का जो फ्रीक्वेंसी है आप लोगों को 16 हर्ट्ज से 210 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा और गाइस सर इस वाले बेस का जो इंपीडेंस आप लोगों को 8 ओम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 18 इंची का एक ही स्पीकर यूज किया गया है। स्पीकर का जो वॉइस कॉइल आप लोगों को 6 इंची में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस वाले बेस से वाइब्रेशन काफी ज्यादा मिलने वाला है। मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जिस भी स्पीकर का कॉइल जितना बड़ा होता है उसमें वाइब्रेशन काफी ज्यादा मिलता है, पंच कम मिलने लगता है, तो आप लोग इस वाले बेस के अंदर वाइब्रेशन काफी ज्यादा ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो कि इस वाले स्पीकर का जो कॉइल है 6 इंची में आता है, इन साइड और आउट साइड में देखने को मिल जाएगा। इस वाले स्पीकर का जो मैग्नेट है न्यूडियम है, यानी ये न्यूडियम स्पीकर है, तो थोड़ा लाइट वेट ये वाला बेस होने वाला है। फिर भी गाइस सर, इस वाले बेस का जो नेट वेट है आप लोगों को 111 केजी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सिंगल सबवूफर 111 केजी के वजन में आ रहा है, तो कितना ज़्यादा हैवी और कितना ज़्यादा पावरफुल यह सिंगल बेस सबवूफर होने वाला है। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है 90,000 से 1,00,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं ये अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस सर इतना बड़ा सबवूफर आप लोगों को छोटे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप के सबवूफर मंगाने के लिए आप लोगों को ऑर्डर कराना पड़ेगा, तभी आप लोग इस टाइप के सबवूफर ये वाला मॉडल मंगा पाएंगे, क्योंकि गाइस सर हर मार्केट में इस तरह का सबवूफर अवेलेबल नहीं हो पाता है। और गाइस सर इसका जो प्राइस होता है 10,000 से 15,000 के बीच में आप लोगों को गैपिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर मैं इसका एक अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, केवल आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग जब ऑर्डर करें तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी प्राइस पड़े या कम भी पड़े, तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो गाइस सर, इस तरह का हम इस वाले सेटअप में 8 सबवूफर का यूज करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी वाइब्रेशन और काफ़ी ज़्यादा हैवी पंचेबल हमारा सेटअप ये जो कंप्लीट होगा। अब गाइस सर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वाले सेटअप के अंदर 6 लाइनरी का भी यूज करना है। तो गाइस सर, यहाँ पर आप लोग पॉप प्रोफेशनल की तरफ से 12 इंची का लाइनरी सिस्टम ले पाएंगे, जिसका मॉडल नंबर GL212 देखने को मिल जाएगा, जो कि इस वाले लाइनरी का जो पावर है 1200 वाट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 12 इंची के 600 वाट के दो स्पीकर फिट किए गए हैं, प्लस में इसके अंदर HF ड्राइवर भी होते हैं। गाइस सर, इस वाले लाइनरी का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 48 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर, इसका जो इंपीडेंस है 4 ओम पे काम करेगा और इसका जो वॉइस कॉइल है 3 इंची में देखने को मिल जाएगा,
जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिड आप लोगों को इस वाले लाइनरे के द्वारा सुनने को मिल जाएगा। तो लाइनरे इसलिए यूज ही होता है कि उसका आवाज़ दूर तक हमें सुनने को मिले। सर, इस वाले लाइनरे के अंदर जो स्पीकर यूज़ किया गया है उसका मैग्नेट जो है न्यूडियम है, यानी इसके अंदर भी न्यूडियम स्पीकर यूज़ किया गया। तो सभी लाइनरे के अंदर न्यूडियम स्पीकर ही यूज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। न्यूडियम स्पीकर यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि लाइट वेट हो, तो यहाँ पर इस वाले लाइनरे का जो वेट है 58 kg देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 69,000 से 70,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली प्राइस में आप लोगों को एक लाइनरे देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग किसी भी मार्केट में ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरह का हम 6 लाइनरे इस वाले सेटअप में यूज़ करने वाले हैं। चलिए कि सर, हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के 8 बेस और 6 लाइनरे को चलाने के लिए हमें किस तरह का एम्पलीफायर यूज करना चाहिए। तो सर, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लाइनरे को चलाने के लिए जयपुर लैब्स का कूल एम्पलीफायर 6 मॉडल में यूज कर सकते हैं, जो कि डुअल चैनल का एम्पलीफायर है, जिसका पावर 2 एम्प पर चैनल पे 2600 वाट देखने को मिल जाएगा। साथ ही सर, इस वाले एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है 800 है, इसका जो वेट है 22 kg 800 ग्राम देखने को मिल जाएगा। इस वाले एम्पलीफायर का जो प्राइस है 65,000 से 66,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सर, इस तरह के हम 2 एम्पलीफायर के यूज करेंगे। अगर आप लोग 2 लाइनरे और भी बढ़ाते हैं कभी इन फ्यूचर में, तो इसी तरह के 2 एम्पलीफायर पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कि कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सा है, एक जो मेरा लाइनरे और 1200 वाट का है, तो दोनों हम लाइनरे को पैलर में कनेक्शन करेंगे तो इजिली 12 × 2 = 2400 वाट हो जाएगा, और 4 ओम इंपेडेंस का है तो इजिली 4 ओम से 2 ओम हो जाएगा। और अगर इसे रेज एम्पलीफायर है 2 ओम पे 2600 वाट दे रहा है, तो 200 वाट हेडरूम ज्यादा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा आप लोगों का लाइनरे बजेगा। तो सिंपल सा इसका कनेक्शन है कि एक चैनल पे एक एम्पलीफायर के 2 लाइनरे लगा देना है और दूसरे चैनल पे 2 लाइनरे को यूज़ कर लेना है, यानी एक एम्पलीफायर पे इस तरह का 4 लाइनरे चल जाएगा, और दूसरा जो एम्पलीफायर बच रहा है उस पर भी आप लोग एक एक चैनल पे एक एक लाइनरे चला पाएंगे। उसका वॉल्यूम थोड़ा आप लोगों को कम रखना होगा। अगर इन फ्यूचर 2 लाइनरे और भी ले लेते हैं तो इजिली इसी वाले एम्पलीफायर पे इसी तरह से एक एक चैनल पे 2-2 लाइनरे चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब कहीं सर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेस को चलाने के लिए एम्पलीफायर के बारे में। तो कहीं सर, यहाँ पर जो हम बेस के चलाने के लिए एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं, जयपुर लैब्स का Z8 डुअल चैनल का एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं, जिसका पावर 8 ओम पे 2450 वाटेज पर चैनल पे निकाल कर दे देता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा बेस हो रहा है 8 ओम इंपेडेंस का है, जिसका हमें पावर 3000 वाट चाहिए। तो कहीं सर, रेज एम्पलीफायर है, थोड़ा पावर इसका कम है, लेकिन जयपुर लैब्स का एम्पलीफायर काफी अच्छा लोड ले लेता है, इजिली इस पे चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वाले एम्पलीफायर को यूज ना करके थोड़ा हम इससे भी हैवी वाटर्स का एम्पलीफायर ले, तो फिर कहीं सर आप लोग SLV के D30 डुअल चैनल का एम्पलीफायर ले पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये एम्पलीफायर है, जो कि इसका पावर 8 ओम पे पर चैनल पे 3000 वाट्स दे रहा है, जो कि इस टाइप के बेस चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ये एम्पलीफायर है। तो दोनों में से कोई एक को भी ले सकते हैं, दोनों एम्पलीफायर का प्राइस सेम ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग जयपुर लैब्स का भी ले सकते हैं, या कि सर आप लोग SLV D30 वाले मॉडल को भी ले सकते हैं, जो कि कहीं सर जयपुर लैब्स का जो डंपिंग फैक्टर है 1000 देखने को मिल जाएगा, और जो SLV का डंपिंग फैक्टर है 5000 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर SLV में डंपिंग फैक्टर ज़्यादा मिल रहा है, तो पावरफुल ही एम्पलीफायर है। तो आप लोग दोनों में से कोई एक एम्पलीफायर को ले सकते हैं, जो कि दोनों ही एम्पलीफायर का जो प्राइस है 95,000 से 1,00,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। दोनों एम्पलीफायर का प्राइस सेम है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दोनों एम्पलीफायर के अगर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग जयपुर लैब्स के भी एम्पलीफायर लेते हैं तो इजिली एक चैनल पे एक सिंगल बेस लगा पाएंगे 8 ओम पे, और दूसरे चैनल पे एक सिंगल बेस लगा पाएंगे 8 ओम पे। तो सर, इस तरह के आप लोगों को 4 एम्पलीफायर लेना होगा, तभी आप लोग 8 सिंगल बेस यूज कर पाएंगे 3000 वाट का। अब सर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 20 HF के लिए, तो सर आप लोग 20 HF इजिली आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो कि 20 HF को चलाने के लिए आप लोग ऊर्जा का 1500 वाट का मोनो एम्पलीफायर ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप लोग 8 बेस और 6 लाइनरे का सेटअप कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साउंड मिल जाएगा। साथ ही इसका प्राइस भी आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस तरह का सेटअप को बनाने के लिए हमें कितना प्राइस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह सेटअप काफी ज्यादा पसंद आया होगा, साथ ही सर ये वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए और डीजे से रिलेटिव जानकारी आप लोग सबसे पहले हासिल कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।